ओके भाई लोग, सो देखो आज की जुड़ा आप लोग बात करने वाले के ड्रामा के बारे में, जिसको भी रिसेंट टाइम में ही मिनी टीवी के साथ साथ एमएक्स प्ले के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है, जिसका नाम है वॉक ऑफ लव। इसको देख करके मैंने निपटा दिया है, तो आज के जुड़ा आप लोग इसका ही समझ रहे हो ना करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग दे देता हूँ कि भैया कुछ खा पी करके ही इस ड्रामा को देखना स्टार्ट करना, क्योंकि भाई इस ड्रामा में आपको इतने बढ़िया बढ़िया फूड्स देखने को मिलेंगे ना पानी आ जाएगा मुंह में। बाकी पूरे डिटेल्स मैं आपको देता हूँ, बट उससे पहले आपसे भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको के ड्रामा से रिलेटेड रिव्यूज अपडेट न्यूज वगैरह सुनना देखना पसंद है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो। इसके सीजन को देखने के लिए भाई आपको टोटल 19 एपिसोड देखने हैं, एंड इन्हीं 19 एपिसोड में इसकी कहानी को एंड कर दिया गया है। हिंदी डबिंग ठीक ठाक है, मुझे बहुत ज्यादा ग्रेट फील नहीं हुई है, देख सकते हो काम चल जाएगा। दूसरी चीज, सीरीज में भाई आपको बहुत सारे किस सीन देखने को मिलेंगे, तो अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल हो तो अपने छोटे बच्चों के साथ देखना। बाकी पर आने से पहले मैं आपको एक पिक्चर की याद दिलाना चाहता हूँ, इसका मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। उसका सीन ऐसा था कि भाई गोविंदा एक लड़की से प्यार करता था, एंड उसका भाई फादर जो था वो बहुत ज्यादा अमीर था, जितना मुझे याद है कादर खान फादर था, एंड जो लड़की थी वो करिश्मा कपूर थी, एंड जो भाई कादर खान रहता है एक काफी बड़े होटल का ओनर रहता है, एंड गोविंदा को वो निकाल देता है वहां से। देन गोविंदा डिसाइड करता है कि भैया हम अपने ससुर जो है उनकी वाट लगा देंगे, एंड जाके सामने एक छोटी सी शॉप कर सकते हो या जो भी चीज रहते वो खोल करके अपना ढाबा स्टार्ट कर देता है। कुछ कुछ याद आया, आई थिंक हीरो नंबर वन या कुछ तो नाम है पिक्चर का, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना अगर आपको याद आ गया होगा। तो इस केडामा का जो थीम है आपको भाई लगभग उसी पिक्चर के जैसा प्रिमाइज प्रेजेंट करता है। यहाँ पर भाई जो अपना हीरो है एक होटल में काम करता था, काफी तगड़ा शेफ है। सीन ये होता है कि उसकी जो बीबी है उसको चीट कर देती है उस होटल के सीईओ के साथ। भैया डिसाइड करते हैं कि मैं बदला लूंगा, एंड उसी होटल के सामने वो एक कह सकते हो काइंड ऑफ चाइनीज रेस्टोरेंट जो भी चीज रहती है वहां पर जाकर के वो अपना फिर से धंधा स्टार्ट कर देते हैं। अब वो कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, वो सब जब सीरीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा इसका बैकबोन है। दूसरी तरफ जो अपनी एक्ट्रेस है काफी अमीर खानदान की बेटी है, शादी हो रही होती बट उसी टाइम उसके पिताजी हो जाते हैं भैया अरेस्ट। अब करंटली वो गरीब है जिसकी वजह से वो आज करके अपने हीरो के साथ वर्क करना स्टार्ट करती है। दोनों मिलकर के अपना एम्पायर कैसे खड़ा करते हैं एंड इसमें गैंगस्टर वगैरह का एंगल क्या है, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अब अगर सीरीज की बात करें तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर भाई आप एक गुड टाइम पास के ड्रामा की तलाश में हो, देन डेफिनेटली ये जो भूख है आपकी ये के ड्रामा खत्म कर सकता है। सीरीज अच्छी है बट इसको देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम एंड पेशेंस देना पड़ेगा, एंड अगर आप ये चीज कर लोगे तो जब इसकी दुनिया में आप इन्वेस्ट हो जाओगे, देन उसके बाद इसमें जो चीजें आपको देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो फूड को लेकर के हो या फिर रिलेशनशिप को लेकर के हो या फिर फ्रेंडशिप को लेकर के हो या फिर गैंगस्टर का एंगल हो या फिर जो ब्ला ब्ला करके जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं उनको देख करके आपको मजा आएगा। रोमांटिक एंगल बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कुछ आपको फ्रेश फील नहीं होगा, बट स्टिल जिस हिसाब से एक्टर एंड एक्ट्रेसेस की केमिस्ट्री को प्रेजेंट किया गया फन टू वॉच है। बाकी जंग तो फूड एंड रिवेंज को लेकर के ही देखने को मिलती है, तो सब ठीक ठाक देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग। वीक पॉइंट की बात करें तो पहला वीक पॉइंट ये कि भाई इसकी हिंदी डबिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से इसकी कॉमेडी उसके अकॉर्डिंग इसकी हिंदी डबिंग नहीं, तो थोड़ा सा वो आपको फील नहीं होगी। अगर आप हिंदी डब में देखने जाओगे तो थोड़ा सा आपको 19-20 टाइप की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, सिंपल कॉन्सेप्ट था एंड 19 एपिसोड तक इसको खींचा गया, तो वो आपको थोड़ा सा बोर एंड लेंदी टाइप का फील हो सकता है। बहुत ज्यादा कुछ फ्रेश नहीं, जो बीट्स होंगे आप उनको इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर आपने बहुत सारे रोम कॉम वाले शोज देख रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए किंग द लैंड हाँ उसी टाइप का पकड़ लो लगभग, जहाँ पर शेफ वगैरह की चीज़ें होती है। अगर आपने इस तरह के ड्रामास देख रखे हैं जो शेफ एंड फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वैसे ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी और है आपको चंगू मंगोड़ा की कमियाँ देखने को मिलेंगे, उनको अगर मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर आप एक बढ़िया टाइम पास के ड्रामा देखना चाहते हो, आपके पास कुछ भी अच्छा देखने के लिए नहीं है, देन डेफिनेटली आप इस ड्रामा को इस वीक प्रेफर कर सकते हो। धीरे धीरे करके देखोगे तो सीरीज को देख करके आपको मजा जरूर आएगा। मास्टरपीस नहीं है, फन टू वॉच से है, जो लाइट हार्टेड कॉमेडी एंड रोमांटिक वाले शोज होते हैं, अगर आप उस तरह की चीज़ों को देखना अभी भी इंजॉय करते हो तो ये सीरीज आपके लिए। मेटिंग की बात करें तो मैं ओवरऑल जिसके तरफ दूंगा 7.3 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने देख लिया तो आपको कितना पसंद आया कमेंट बॉक्स में बताना, मेरी वीडियो काम के लिए तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस बात की मैं फिर से मिलता हूं, टिल देन बाय बाय।